सो गाइस वो बैठे हमारे सनी देओल। जय हिंद। फिलहाल है ना हम लोग बन चुके हैं इंडियन आर्मी के फौजी और हम लोगों को मिल चुकी है भाई हमारी गन जो कि काफी ज्यादा हैवी है उठाने में। मतलब मेरे मुंह से निकल गई भाई, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई भाई, आपके पैर पकड़ता हूं भाई। हाँ जी गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो भाई कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज वाला वीडियो काफ़ी गजब होने वाला है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो भाई आज फाइनली हमारा शूट है गोरेगांव फिल्म सिटी में। मैं मुंबई भी आ चुका हूँ एंड गोरेगांव फिल्म सिटी में एक मूवी का शूट है जिसमें मैं फौजी बनने वाला हूँ, मतलब फौजी। तो भाई बचपन का सपना होता है ना सबका कि भाई मैं फौजी बनूँ और देश की रक्षा करूँ, बट वो सपना पूरा नहीं होने की वजह से मेरा आज सपना पूरा हो जाएगा कि मैं फौजी की ड्रेस पहन लूँगा, ठीक है। तो जा रहे हैं हम लोग आज फिल्म सिटी में, मतलब मेरा शूट है और मेरा एक दोस्त है वो आ रहा है तो उसका शूट, ठीक है। दो जने का, मतलब दो जने का डन हुआ था, बाकी कास्टिंग करके कास्टिंग डायरेक्टर वो जो वगैरह होते ना उन लोगों ने डन कर दिया था। मेरे पास कॉल आया कल कि आपका शूट है कल आ जाना, बट ठीक है पता था ही शूट आने वाला है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई फिल्म सिटी में एंड वहाँ पर जैसा भी होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ, अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं और निकलते हैं अभी यहाँ से। फिलहाल ना बाहर आने के लिए एकदम सुबह हो चुकी है एंड सुबह की वाइब भी अलग होती है, मतलब सुबह की जो महक होती है ना काफ़ी अच्छी होती है भाई। सुबह उठना और सुबह कहीं जाना मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ भाई अपनी बाइक से ही क्योंकि मेरे को पूछना है जल्दी, 6 बजे का टाइम है, 5:30 बजे ऑलरेडी बज चुके हैं। तो अपनी शेरनी से निकलते हैं फिलहाल और यहाँ से इधर बैठा हुआ है ये भाई, सुबह से सुबह ही वीडियो अपलोड कर रहा है, इसका नेट नहीं चल रहा, काफ़ी उदास पड़ा है ये। तो फिलहाल मेरा हेलमेट दे दे, मैं चलता हूँ, ठीक है, मेरे को रास्ते में छोड़ दे रहा, बाय बाय। अभी नेट चलाने के लिए ना उधर जाएगा रास्ते में, चलो निकलते हैं। फिलहाल मैं पूछ चुका हूँ भाई, मैं आज जो ले यहाँ पर आएगा जो मेरा दोस्त है ना वो आ जाएगा, उसको मैं यहाँ से पिकअप करके अपनी बाइक लेकर चलूँगा गोरेगांव स्टेशन। फिलहाल उसका वेट कर रहा हूँ मैं, इस बंदे है ना काफ़ी लेट करवा दें मेरे को, तो काफ़ी लेट आया जल्दी बैठ, टाइम नहीं हुआ तो 6:30 बजने वाला है इधर ही। फिलहाल निकलते इधर से, काफ़ी भीड़ भाड़ भी हो चुकी है फिलहाल, दिल्ली दिल्ली निकल रहा है, सनराइज भी हो चुका है, देख सनराइज भी हो चुका है, कहाँ है सन, निकलते हैं फिर यहाँ से। सो गाइज अभी हम लोगों ने एंट्री कर ली फिल्म सिटी के अंदर, आप लोग जो वैनिटी वगैरह दिख रही है ना इस मैदान का नाम है वेलकम मैदान और इसी के अंदर आज हमारा शूट होने वाला है। चलो देखते हैं क्या सीन होता है, जो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं आप लोगों। तो भाई फिलहाल है ना हम लोग बन चुके हैं इंडियन आर्मी के फौजी, देखो सारे इंडियन आर्मी के फौजी है और भाई ये लोग तू इधर क्या कर रहे और भाई देखो वो पाकिस्तान का फौजी अभी पी रहा है पानी, देखो उधर पाकिस्तान का फौजी पी रहा है पानी हमारे सामने बैठ के बंदूक बंदूक लेके और एकदम फिट हो रखा है यार। ये लोग बताऊँ क्या बोल रहे थे, बड़ा दुबला पतला फौजी है यार ये, कुछ खाते नहीं है क्या, तो बेइज्जती हो गई, मतलब खाने पीना चाहिए हम लोगों को। बाकी तो अभी स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, देखते हैं क्या सीन होता है। महाराज जिंदाबाद, जय हिंद, बोल नहीं रहे यार, मैं आ रहूंगा कि नहीं, हां 1 2 3 जय हिंद। सो गाइस फिलहाल है ना सब फौजी रेडी हो चुके हैं सारे, ये देख लो हमारे इंडियन फौजी, क्या गनमन भाई, ये गन असली नहीं है आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ, असली नहीं है, असली गन एकदम, देखो इसमें बुलेट वगैरह कुछ नहीं है, देखो चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाई क्या हाल चाल, बढ़िया, क्या चल रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में क्या चल रहा है बताओ ना, फौज चल रहा है कमरिया। तो भाई हमारे इंडिया और पाकिस्तान के सैनिक एकदम आसपास हो रखे हैं एकदम, और बाकी पाकिस्तानी सैनिक उधर बैठे हैं और यार वो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ऊपर, हाँ पाकिस्तान का ट्रक खड़ी होगा, पाकिस्तान का ट्रक खड़ा है, हमने उठ लूट के लेके आए भाई, इस गन के दम पे लूट के लेके आ गए वो ट्रक, जैसे भी लेके आ गए जैसे। तो भाई फिलहाल है ना हम लोग आ गए भाई धूप से बाहर अंदर आ गए क्योंकि बाहर काफ़ी धूप है। हाँ जी गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं भाई महाभारत के प्रोडक्ट के बारे में। देखो यार बेसिकली क्या होता है, आजकल काफ़ी ज़्यादा धूप होती है बाहर एंड काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, उसकी वजह से हमारी स्किन जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है एंड उसको मॉइस्चराइजर बिल्कुल नहीं मिल पाता और काफ़ी रूखी रूखी हो जाती है। तो भाई उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ भाई महाभारत का चारकोल फेस वॉश, और भाई ये फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है और अपने फेस में जो भी ऑयल होता है ना उसको भी रिमूव कर देता है। हमारा चारकोल फेस वॉश, यह फेस वॉश आपकी स्किन की कोमल देखभाल करता है, यह आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बना देता है, चिकनी महसूस कराता है क्योंकि इसमें SLS सल्फेट से या कृत्रिम सुगंध जैसे हानिकारक रसायन नहीं होते हैं। सो गाइस इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हो। बाकी आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन नायका पर्पल महाभारत की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल ऐप पर जाके ऑर्डर कर सकते हो एंड इसके साथ साथ आप लोग इसको ऑफलाइन भी ले सकते हो महाभारत के
स्टॉल पे जाते हैं। एंड यार आप लोग अगर मामाअर्थ के ऑफिस वेबसाइट और ऑफिस ऐप पे आप लोग मेरा ये कोड यूज करते हो जो कि है SACH 2023, तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जितना ज्यादा प्लास्टिक यूज होता है उससे कहीं ज्यादा लोग रिसाइकल कर देते हैं। तो भाई जल्दी जाओ ऑर्डर करो और भाई यूज करो। मामाअर्थ का ऑफिशियल ऐप आप लोगों को एंड्रॉइड और iOS पे भी मिल जाएगा। और हम लोगों को मिल चुकी है भाई हमारी गन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है उठाने में, मतलब काफ़ी ज़्यादा वजन है इसके अंदर। पहली बार गन ले रहा होता मैं, वो भी नकली। देखो इसके अंदर चलाने का नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, देखो चलाने का कुछ भी नहीं है। अब देखो नकली इतना भारी है तो असली कितना भारी होगा। और एक तो भाई ये जर्सी पहना दी इतनी गर्मी में और उसकी वजह से फटी जा रही है, मतलब एकदम गर्मी। देखो कितनी मोटी जर्सी है, आप लोग खुद देखो। तो अंदर अंदर के अंदर शर्ट है, हाँ जर्सी के अंदर ये मोटी शर्ट भी है, ये देखो वाली शर्ट बहुत बेकार गर्मी लग रहा है। पर ये यार वर्दी पहन रखी है हमने, बट क्या आप पुराने जमाने की वर्दी है, मतलब पहले वाले जो सैनिक थे ना उसकी वर्दी है, बट क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे भी शूज़ वगैरह देख लो हमारे, एकदम ऐसे पैक कर रखा है गर्मी में भाई एकदम। हम लोग आ गए पंखे के पास, नहीं रहा जाता बाहर भाई। अगर ये वाला हेलमेट है ना इंडियन आर्मी का, ये थोड़ा मेरे को रियल लग रहा है, काफ़ी मजबूत है ना, काफ़ी काफ़ी सोल्ड है ना, इसमें वजन भी काफ़ी है भाई। ये वाला हेलमेट मेरे को काफ़ी हद तक रियल लग रहा है। बाकी वो हेलमेट नहीं आते जो बाइक वाले आते हैं, स्कूटी वाले, उनको कन्वर्ट करके बनाया इसको। तो गाइस इस हेलमेट को मैं यूज़ करा करूँगा बाइक पे, मेरा चालान नहीं कटेगा। चार पाँच किलो वजन है ना इसमें भाई, सिर के अंदर 4-5 किलो वजन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। और ये मेरे को मैं पहन रखा भी हूँ, आप लोग खुद देख रहे हो भाई, मैं पहन रखा भी हूँ और 4-5 किलो वजन एकदम, मतलब काफ़ी हैवी है। मतलब कपड़े तो अच्छे हैं, कंफर्टेबल है, बट गर्मी कब लग रही है इनके अंदर। बाकी गन भी है भाई हमारे पास, और इधर सब लोग बैठे हैं, सब लोग पैर पैर के। अभी पाकिस्तानी आर्मी लड़ रही है, हम लोगों को बाद में जाना है। आप बोलो ठीक, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? मेरे मुँह से निकल गई भाई, गलती हो गई, मेरे मुँह से निकल गई भाई, आपका पैर पकड़ता हूँ भाई, माफ़ कर दो। भाई फिलहाल है ना काफ़ी गर्मी लग रही है, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा इधर काफ़ी, मैंने शर्ट वगैरह बटन खोल दिया और चिल एकदम पंखे के पास आके चिल कर रहा हूँ। और फिलहाल देखो ओमकार सो भी गया यहाँ पर बैठा बैठा। तो भाई यहाँ पर हमारे आर्मी के टैंकर वगैरह, जो पाकिस्तान आर्मी के टैंकर वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ बनाओ। तो गाइस फिलहाल ये लोग आराम वगैरह कर रहे हैं एकदम चिल। क्या चल रहा है तेरा, इधर हवा में चिल कर रहे हो एकदम, है ना भाई एकदम हवा में। बट मैं उधर बैठा था एकदम खाली शांत, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था उधर, तो पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे सही था यार, खुली खुली हवा बिल्कुल। बाकी के लोग सो रहे हैं इधर, है ना। सो गाइस अभी पता है 5 बज चुके हैं, तो भाई चाय वीडियो भी देख लिया, खाना तो हो चुका था 2 बजे, लंच वगैरह हो चुका था, अब चाय मिली है। बाकी सूट वगैरह कंटिन्यू चल रहा है, काफ़ी फौजी उधर है और भाई हम लोग इधर आ गए चाय वगैरह पीने के लिए। और फिलहाल देखो इधर हमारी बंदूक वगैरह वो रखी हुई है, यूनिफॉर्म या हेलमेट वगैरह, हेलमेट तो भाई बहुत भारी है यार। बाकी चाय वगैरह पी लेते हैं, गर्मी भी काफ़ी लग रही है, अब क्या करें गर्मी में चाय पीना पड़ रहा है। बट गाइस एक बात बताऊँ, सनी पाजी के साथ मज़ा खूब आ रहा है इधर, सनी देओल के साथ मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है। फिलहाल सनी देओल उधर ही खड़े हैं, बट नहीं दे सकता, कोई नहीं। कहाँ जाके आयो, कहाँ जाके आयो? अरे अरे इंडियन आर्मी टॉयलेट वो कहाँ कर रही है, इसके पीछे। अरे भाई सो गाइस वो बैठे हमारे सनी देओल, ओ भाई इनको देख के काफ़ी मज़ा आ गया था। बाकी अभी शूट ख़त्म हो गया और ये अपने वैनिटी के अंदर वापस जा रहे हैं, दैन उसके बाद घर चल जाएंगे। तो भाई ये हमारे सनी देओल, आप लोग भी देख लो, हमारे साथ काम कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था इनके साथ काम कर रहे हैं। एंड यार अभी फाइनली वो लोग जा रहे हैं अभी घर पे, और ये अभी उनकी रेंज रोवर है जिसमें भी वो बैठ के घर पे जा रहे हैं। पूरा शूट एंड हो चुका है और सब लोग अपने घर घर जा रहे हैं, तो सनी पाजी भी निकल चुके हैं अभी। क्या हो गया पैकअप? सो गाइस फिलहाल है ना सूट वगैरह ख़त्म हो चुका है फिल, और ये देखो ये टैंक वगैरह खड़े हैं। फिलहाल तो हम लोग रेडी हो चुके हैं घर जाने के लिए, और भाई रात काफ़ी हो चुकी है, मतलब 8 बजने को अभी, और आप लोग देख सकते हो सुबह 6 बजे हम लोग इधर आ गए थे। बट यार क्या ये मज़ा आ गया गदर टू के सूट में। तो भाई फिलहाल सूट ख़त्म हो चुका है एंड हम लोग निकल रहे हैं भाई घर के लिए। अब नाइट का सूट चल लोगे, यहाँ पर डे का सूट था वो हमारा पूरा हो चुका है, घर पर जाकर मैं आप लोगों को सारी बात बताता हूँ यहाँ से, चलो चलते हैं।
सो फाइनल गाइस, अभी मैं घर पे आ चुका हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ आज तो, क्योंकि यार पूरे दिन हम लोग शूट पे थे और आज भाई गदर टू मूवी का शूट था पहले तो, ठीक है। और सनी देओल थे वहाँ पर, सिमरन थी, और जो वो जो गदर वन में जो एक्टर होता है, मतलब जो छोटा बच्चा होता है सनी पाजी का लड़का होता है, जो तारा का लड़का होता है, ठीक है, वो छोटा होता है, बट इस मूवी में वो बड़ा हो चुका है। और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग मूवी है। इसके स्क्रिप्ट में आप लोगों को नहीं बता सकता, ना ही मैं आप लोगों को कोई सीन दिखा सकता, बट हाँ मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ काफ़ी मस्त मूवी आने वाली है गदर टू। एंड यार उसमें मेरे को भाई एज ए सीनियर, मतलब जो फाइटिंग आर्टिस्ट होते हैं या फाइटिंग टीम के आर्टिस्ट होते हैं, उसमें काम करने का मेरे को मौका मिला, देन मैं फौजी बन गया आज पहली बार, ठीक है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई काम करके, खासकर तो भाई सनी पाजी के साथ काम करके, मतलब सनी देओल जिनको हम बचपन में मूवी वगैरह हम देखते थे, आज उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब वो हमारे सामने खड़े हैं और उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वो चीज़ हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात थी, क्योंकि हम लोग भाई उनके साथ मूवी में आ रहे हैं, वो भी गदर टू मूवी में। तो अभी आने वाली है लगभग, पता नहीं कब आ जाएगी, बट अभी शूट एंड हो चुका है, आज लास्ट शूट है, मतलब आज वो जो जो भी विलन्स वगैरह सब लोग मारे गए और उसके बाद शूट एंड हो गया, ठीक है। तो ये मूवी जल्दी आ जाएगी, आप लोग देखना। बाकी मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। एंड आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना आपको चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर लाइक की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि रीच काफ़ी कम हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे, तो भाई कर देना यार आप लोग। तो भाई मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।